नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश चतुर्वेदी और राजधानी भोपाल की बात करें तो इस समय मौसम सुहाना बना हुआ है। देखिए, इस समय हम भोपाल के वीआईपी रोड पर मौजूद हैं और यहाँ से हम जो बड़े तालाब की बात करें तो जलस्तर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और सूरज के आज दर्शन नहीं हुए हैं। कारण है आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और ये जो खूबसूरत मौसम है राजधानी भोपाल का, इसको निहारने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कई सारे लोग पहुँचे हैं और राजा भोज की प्रतिमा है उसके ठीक आगे जो है फ़ोटो भी निकलवा रहे हैं। क्या हाल है आपका? बढ़िया है, मौसम भी बहुत अच्छा है। क्या लुत्फ उठाने आए आज? हाँ, यहीं घूमने आए। घूमने आए कहाँ से आए आप? रायसेन जिले गोदेपुरा से आए। रायसेन जिले से आए तो भोपाल ऐसे कैसे आना हुआ? घूमने ही आए भाई साहब, रायसेन तक आए थे। यहाँ से मौसम अच्छा लगा, तालाब वाला घूमने। अच्छा, रायसेन से भोपाल तक सिर्फ घूमने आए जी? ऐसा क्या है भोपाल में खास? नहीं, बहुत बढ़िया सुहाना मौसम है, आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर तालाब दिख रहा है बढ़िया। अच्छा, सुहाना मौसम, गर्मी से राहत मिल गई, ये पानी आ गया अपने आप। ये हिल स्टेशन के जैसा लग रहा है आपको कि भोपाल है? बिल्कुल, पहाड़ों और तालाबों का लग रहा है, झीलों की नगरी है। हाँ? लेकिन मौसम भी आज बड़ा अच्छा है। हाँ? इसलिए बिल्कुल हिल स्टेशन जैसा। हिल स्टेशन, हाँ, गर्मी से राहत है और बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद भटेले। ताराचंद जी, जी तो भोपाल तो कई बार आना होता होगा? जी जी, होता है। जब ऐसा मौसम बनता है तो रायसेन से भोपाल चल पड़ते हैं? हाँ, आ जाते हैं। आप भी साथ में ही हैं? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आगे क्या प्लानिंग है? अब घर जाएंगे घूमने के बाद। घूमने के बाद देखिए, आप देख पा रहे हैं कि लोग हैं, चूँकि भोपाल का जो मौसम है सुहाना बना हुआ है और आसपास के ज़िलों के लोग बाखूबी जानते हैं कि झीलों और पहाड़ों की नगरी भोपाल है। और जब इस तरह का मौसम बनता है तो यहाँ का जो मौसम है उसका नज़ारा देखने लायक रहता है और यही कारण है कि रायसेन ज़िले से लोग भोपाल तक आए हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कहाँ, भोपाल से ही हैं? हाँ, भोपाल से। यहाँ पर क्या लुत्फ उठाने आए मौसम का? हाँ, अच्छा मौसम हो रहा था तो आ गए। कहाँ से हैं आप? मैं अयोध्या से। अयोध्या नगर भोपाल से ही? हाँ, भोपाल से। लोकलाइट है आज। ऐसा मौसम तो मुझे लगता है सीजन का पहला ही बार आया है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी टाइम से तो अच्छा ही था। कल भी अच्छा, कल इससे ज़्यादा अच्छा था। मैं, मेरा सेंटर लगा था यहाँ पे, पेपर देने में आया था। हाँ। तो मैंने देखा कल इससे ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एक होराइजन पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा था, आकाश इस वाली चोटी से बिल्कुल एकदम टच कर गया था। ये भोज की प्रतिमा के कारण आप यहाँ खड़े हैं या कोई व्यू दिख रहा है आपको? ये तो एक मेजर, एक USP बन जाते हैं VIP रोड के। और दूसरा ये हो जाता है कि ये थोड़ा ऐसा है कि आप खड़े हो सकते हैं, फैमिलियर है कि मतलब राह चलती रोड है, ऐसा नहीं कि सुनसान है, आप आराम से खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है आपको, पूरा मिल जाता है। क्या व्यू? सबसे मेन ये हवा, हवा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो लहरें करीब होने का एहसास कराती है वहाँ। हाँ, अच्छा लगता है, इसकी गहराई का एक फील आता है कि हाँ गहरा है हमारा लेक, अच्छा लगता है। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो प्रकृति की गोद में भोपाल बसा हुआ है और आप देख पा रहे हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, आप भी भोपाल से ही हैं? नहीं सर, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं आप, कैसे आप भोपाल कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरी सिस्टर का एग्ज़ाम था MPPSC का, तो वही देने के लिए हम आए थे, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा घूम लेते, क्योंकि भोपाल वैसे ही बहुत फेमस है, यहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस, जैसे लेक हो गया और भी हम बहुत सारी चीज़ें घूमने आए थे। क्या था वो भैया? भोजपुर। हाँ, भोजपुर गए होंगे आप। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से हैं? सर, मैं भी दिल्ली से हूँ। आप भी दिल्ली से ही हैं। भोपाल इससे पहले आना हुआ कभी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम आए आप। कैसा लगा भोपाल? सर, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब पोल्यूशन फ्री भी है। दिल्ली में थोड़ा मतलब कॉम्पैक्ट टाइप बिल्डिंग्स में रहते हैं ना, तो ये व्यू नहीं मिल पाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पिकनिक स्पॉट जैसा आपके लिए हो गया है? पिकनिक नहीं सर, एक तरह से रिफ्रेशिंग है, मतलब अगर आप अपनी लाइफ से थोड़ा बोर हो गए हो, या मतलब अभी लॉकडाउन की वजह से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हमारा माइंड भी कंजस्टेड हो गया था, यहाँ पे आकर फ्री लगेगा मुझे, ऐसा मतलब फील हो रहा है, और देखने में भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ की ब्यूटी कह सकते हैं दिल्ली से बेटर है? नहीं सर, दिल्ली हमारी कैपिटल है। दिल्ली सर मतलब अपना अपना है, जैसे दिल्ली में ज़्यादा फास्ट लाइफ है, यहाँ पे सर फास्ट लाइफ भी है बट सुकून भी है, वहाँ पे थोड़ा सुकून ढूंढने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ जाए, पर यहाँ पे है कि अगर आप थक भी गए हो, और मैं फर्स्ट टाइम आई सर लेक पे। हाँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है लेक। अच्छा, आपका बोट क्लब जाना हुआ अभी?
हाँ सर उधर, लेकिन हमने बोटिंग की नहीं सर, थोड़ा मौसम खराब है ना इस वजह से नहीं की, बोटिंग नहीं की है। यस देखिए साफ तौर पर जो दिल्ली में लोग रहते हैं उनका कहना है सुकून चाहिए, तो ये भोपाल में सुकून मिलेगा, वो खास तौर पर जब मौसम सुहाना हो तो दिल्ली के लोगों को जो भोपाल है बेहतर नज़र आता है। देखिए लोग पूरे परिवार के साथ पहुँचे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया मौसम है जी। कहाँ से हैं आप? खंडवा। खंडवा से जी। यहाँ से यहाँ कैसे आना हुआ सर? घूमने आया था भोपाल, घूमने आए। हाँ। कुछ खास वजह है भोपाल में क्या घूम रहे हैं? जी रहते हैं हमारे यहाँ पे। हाँ। रिलेशन में। हाँ। तो हमारे साइड अभी पानी नहीं गिर रहा था, इस चक्कर में आ गए इधर। यहाँ का मौसम क्या कह रहा है? बढ़िया मौसम लग रहा है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। यहाँ कभी आना हुआ इससे पहले? हाँ, मैं यहाँ पे न्यू मार्केट में नौकरी करता था, सेंटर पॉइंट पे, उसमें था एयरटेल बीटी सोल में। तो आज क्या पूरे परिवार के साथ? आज फैमिली के साथ, अभी क्या मेरी न्यू शादी हुई है जी, उस चक्कर में चलो घूमते हैं। न्यू मैरिज कपल हैं आप, देखिए। और भोपाल घूमने आए, यानी कह सकते हैं कि भोपाल की जो खूबसूरती है लोगों को उतनी अधिक पसंद है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फैमिली है, फैमिली के साथ लोग पहुँचे हैं। अच्छा, देखा हुआ है आपका? हाँ। यहाँ पर पहले आ चुके हैं आप? हाँ, आ चुके हैं, यहीं पर आ चुके हैं। यहीं रहते हैं आप? खंडवा से हैं ना? हाँ। पहले आ चुके हैं आप? नहीं, पहली बार। फर्स्ट टाइम आए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। देखिए पूरा परिवार है, छोटे बच्चे भी हैं, कहीं कोई आप डर तो नहीं है ना कोरोना का, क्योंकि आप बाहर से आए? हम यहीं पे हैं। आप यहीं पर हैं, कोई डर तो नहीं है ना? नहीं, कुछ है। कुछ नहीं है, डर नहीं है। आज का मौसम कैसा है? वेस्ट है। पूरी फैमिली के साथ? यस। अच्छा, भाभी जी भी आई हैं, भाभी जी कैसा है मौसम? जी अच्छा है। अच्छा है। देखिए मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो VIP रोड है, और VIP रोड पर आप देख सकते हैं कि राजा भोज की जो प्रतिमा है यहाँ पर, हालांकि रुकने की देखा जाए तो वैसे परमिशन नहीं है, लेकिन जो है कुछ राहत दी जाती है लोगों को कि यहाँ पर आकर जो यहाँ का व्यू है उसका लुत्फ उठा सकते हैं। देखिए एक बार फिर मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपके भोपाल की, भोपाल में जो सुहाना मौसम बना हुआ है। देखिए आसमान की बात करें तो आसमान में कहीं भी सूरज नज़र नहीं आ रहा, जो बादल हैं घने बादल हैं उन्होंने सूरज को घेरे रखा है। और लेकिन यहाँ की हम खूबसूरती की बात करें, यहाँ पर खूबसूरती में इस समय चार चांद लगे हुए हैं। VIP रोड से हम ये नज़ारा दिखा रहे हैं आपको भोपाल की खूबसूरती का। ये बड़ा तालाब है, और बड़ा तालाब में जो हवा चल रही, हवा के कारण जो लहरें हैं वो हिलोरे मार रही हैं, और इस हिलोरे के बीच लोग इस मौसम का, इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए रोड पहुँच रहे हैं। भोपाल के बड़ा तालाब पर ये VIP रोड है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो राजा भोज है उनकी प्रतिमा स्थापित, इसके साथ ही राजा भोज का जो ऐतिहासिक महत्व है, और भोज राजा भोज का जो शासनकाल रहा है वो भोपाल में यहाँ पर अंकित किया गया है। लोग यहाँ पर आते हैं और ये जानकारी भी लेते हैं। आपका कहाँ से हैं आप? दोहरा से। कहाँ से? दोहरा। अहमद तो दोहरा। कहाँ पड़ता है ये? सीहोर रोड पर। सीहोर रोड पर, तो भोपाल तो पास में ही है, आप कई बार आना होता होगा? हाँ, कई चक्कर। आज कैसे आना होगा? घूमने आते थे। घूमने आए। आज कुछ खास है? कुछ खास नहीं, वो शिवरात्रि है ना। शिवरात्रि है तो वो सोमवार का ना। अच्छा अच्छा, पहला सावन का सोमवार है, तो यहाँ के यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जैसे आ गए थे घूमने हम मंदिर। हाँ, इसलिए आ गया था। यहाँ क्यों रुक गए? घूमने फिरने आ गए थे। घूमने फिरने की मौसम अच्छा है आज? मौसम का नहीं खाता है क्या? बड़े शानदार मौसम है आज तो। आज मौसम बहुत शानदार है, और शिवजी की महिमा से आज हम भोजपुर गए थे। आज तो भोजपुर में दर्शन करते हुए बहुत शानदार पानी गिरा, उसके बाद फिर राजा भोज के दर्शन करे यहाँ पे आके। आज मौसम ऐसा लग रहा है कि दिन भर भोपाल में घूमते रहो, कुछ काम नहीं, कुछ धंधा नहीं, सिर्फ एंजॉयमेंट। ऐसा नहीं लग रहा कि हिल स्टेशन जाते हैं हम, वहाँ पर जो ठंडी हवा चलती है? बिल्कुल, समुद्र के किनारे खड़े होते हैं हम, जो लहरों का एहसास होता है, सब कुछ यहाँ पर जी, बिल्कुल वही एहसास हो रहा है। और आप भोजपुर और जाके देखिए, इससे भी शानदार आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है वहाँ पे कि जाके बिल्कुल भगवान शिव जी के दर्शन हो गए आज। साक्षात शिव जी बता रहे हैं आज, बारिश हल्की बारिश हुई वहाँ पे, बहुत ही मौसम इतना शानदार हुआ है कि आज का मौसम ऐसा लग रहा है कि दिन भर घूमते रहे हैं आज। दिन भर घूमते रहे, बिल्कुल जी। भोले बाबा का दिन भी है आज? भोले बाबा का दिन भी है। आप कहाँ से आए आप लोग? दोहराए से। जय भोलेनाथ। वहीं से आए आप जी? सब लोग यहाँ तो कई बार आना होता होगा आप लोग? कई बार आते हैं। आज महाशिव वो है, घूमने की जगह नहीं, यहाँ घूमने आते हैं हम लोग। भोजपुर आए हुए थे,
अच्छी चीज़ें जगह, अच्छी घूमने की जगह है भोपाल। और मौसम तो फिर आज चार चांद लगाए हुए हैं, चार चांद लगा दिए, सावन सोमवार है, भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा की कृपा चल रही है। देखिए बिल्कुल और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आए? उदयपुरा से। उदयपुरा से हैं आप, भोपाल से नहीं है? नहीं है। अच्छा, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जितने लोग हैं वीआईपी रोड पर मौजूद, सब अलग अलग जगह से हैं। लोकलाइट तो जो है जी, लोकलाइट कम ही मिलेंगे, बाहर के लोग ही ज़्यादा मिल सकते हैं। वैसे अभी सबको सुरक्षा की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना वैसे उस टाइम पर काफ़ी फैला हुआ था। अब लोग अवेयर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मास्क का प्रयोग करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें। आपका कैसे आना हुआ है? मेरा कॉलेज है तो उसके कॉलेज के काम से आए थे। कॉलेज के काम से आए थे और ऐसा मौसम हो और वीआईपी रोड ना हो, ऐसा हो नहीं, होता नहीं है, होता नहीं है ऐसा। इसीलिए यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा देर घूम लिया जाए। बहुत बहुत समय बाद ऐसा, हाँ बहुत समय बाद आना हुआ, एक साल बाद आना हुआ यहाँ पर जी। तो कम से कम वीआईपी का यहाँ कर क्या कैसा एहसास होता है? आप कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत एक अलग ही फीलिंग आती है यहाँ पे आने पर और बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा लगता है यहाँ पर लोगों का ये कहना है। देखिए मैं एक बार फिर जो वीआईपी रोड है वो उसकी खूबसूरती आपको बताना चाहूँगा। और जो खूबसूरती है, एक तो जो ऐतिहासिक महत्व तो हो ही जाता है राजा भोज की प्रतिमा से साथ, और बड़ा तालाब जो है, और फिलहाल हम देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए पूरे परिवार के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है? हाँ आज का मौसम बहुत बढ़िया है। कहाँ, आप तो भोपाल से हैं? जबलपुर से। जबलपुर से हैं? हाँ। भोपाल कैसे आना हुआ? बहन के घर आए हैं घूमने। और ऐसा मौसम है तो फिर तो घर में रुक नहीं सकते? मौसम आज का बहुत बढ़िया है, आराम से घूम फिर रहे हैं। ऐसा जबलपुर में मौसम रहता है क्या? हाँ जबलपुर में भी रहता है ना, रहता है। और ये व्यू नहीं, इस टाइप का छोटा है, इतना बड़ा नहीं है फिलहाल, छोटा है। आप वहाँ जबलपुर से ही हैं अभी? हाँ साथ में। यहाँ पहले आपको भी आना हुआ? हाँ सेकंड बार आए हैं। बेटा कोई डर तो नहीं है कोरोना को लेकर? नहीं है। कहाँ है वो? आप भोपाल में हो? कहाँ हो? भोपाल में। भोपाल में है। ये प्रतिमा किसकी है? नहीं पूछा। ये प्रतिमा किसकी है? राजा भोज नाम सुना है? नहीं सुना है। चलिए छोटे बच्चे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर खूबसूरती बनी हुई है, जो मौसम सुहाना बना हुआ है, लोग परिवार के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। और अब हम पहुँचे हैं वीआईपी रोड से भोपाल के बोट क्लब पर, और बोट क्लब का नज़ारा देखिए, यहाँ का मौसम भी सुहाना बना हुआ है। और फिलहाल हम यहाँ पर देखें तो चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा है, लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुँचे हैं। देखिए ये भोपाल का वो बोट क्लब है जो यहाँ पर बोटिंग से लेकर तमाम जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है, और हम फिलहाल देख भी पा रहे हैं कि जो वाटर एक्टिविटीज़ है कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और ये देखिए दूर के जो आप देख पा रहे हैं कि नाव है, और नाव के आगे की हम जो देख रहे हैं कि कुछ जो टापूनुमा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर कुछ जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो दरगाह है, और इन नाव के ज़रिए उस दरगाह तक पहुँचते हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, लोगों से उनसे चर्चा करेंगे। क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया है। मौसम आज बहुत अच्छा है? हाँ अच्छा है, कल और जब भी ज़्यादा अच्छा था, आज भी अच्छा ही है। अच्छा, कल भी आप यहाँ पर आए थे क्या? नहीं यहाँ पे नहीं आया था, बट कोलार साइड रहता हूँ मैं, तो कोलार साइड भी बहुत अच्छा था मौसम। आज तो बोट क्लब इंजॉय करने आए आप? नहीं बस मैं ऐसे ही घूमते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, निकल जाएंगे राउंड लगा के आगे। राउंड लगा के निकल जाएंगे जी। काफ़ी अच्छा मौसम है अभी। जी जी मौसम तो अच्छा ही है, मौसम अच्छा है। देखिए लोग अपने परिवार के साथ भी यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कितने दिन बाद आए आप बोट क्लब? काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी कितना टाइम हो गया? 3-4 महीने। 4 महीने यानी कह सकते हैं कि लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। कैसा है मौसम? बढ़िया, अच्छा मौसम एक नंबर। अच्छा है। कहाँ रहते हैं आप? भोपाल टीले पे। टीले पे रहते हैं? हाँ। भोपाल में ही रहते हैं। बहुत दिनों बाद निकले घर से बाहर? हाँ बहुत दिन बाद आए। बहुत दिन बाद, सावन का पहला सोमवार भी है जी। मंदिर भी इसका जहाँ पे आ गया। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बोट क्लब में इंजॉय करने यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए खास तौर पर जो बोट क्लब है, इस पर जो खासियत ये है कि यहाँ पर जो छोटी छोटी आप दुकानें देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो चौपाटी है वो छोटी चौपाटी यहाँ पर सजी हुई है, और लोग उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। क्या आजकल क्या सीज़न कैसा चल रहा है बोटे का? बहुत खराब चल रहा है, अभी धंधा पानी बिल्कुल नहीं है लॉकडाउन के चक्कर में। नहीं लॉकडाउन तो अब खुल गया है ना? अरे तो
पब्लिक तो आए, खुलने से क्या होता है। अभी तो आज से तो हम कह सकते हैं चहल पहल हो चुकी है, मौसम अच्छा है। अभी तो बहुत काम है सर, बाकी आगे देखो कैसा होता है अपने हिसाब में जो ऐसा। हाँ बाकी नहीं तो यहाँ खड़े होने की जगह नहीं रहती, इस जगह नहीं रहती। देखिए खड़े होने की रहेगी जगह नहीं रहती। अभी जो कह सकते हैं कि जो कोरोना का खौफ है, कोरोना का डर है लोगों में अभी भी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि पहले से जो चहलकदमी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। और चूंकि आज का मौसम जो सुहाना है तो उसके चलते भी लोग यहाँ पर आए हैं। बड़े दिनों बाद आना हुआ होगा बोट क्लब तो आपका, कितने दिन बाद आए? छः महीने बाद। यानी लॉकडाउन के पहले से नहीं आए क्या? एक तो कोरोना था जी, और आज क्या मौसम आपको खींच लाया? मौसम खींच लिया, खींच लाया। देखिए यहाँ पर हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये जो इससे के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, दरअसल ये भोपाल में एक मुहिम चली थी कबाड़ से जुगाड़, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कबाड़ को जोड़कर बनाया गया है, और उसी का एक ये दृश्य है। कैसा है मौसम आज का? बहुत अच्छा है। अच्छा है, आज तो फिर निकलना हो ही गया। फिलहाल देख पा रहे हैं कि कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, शुभम कहाँ के रहने वाले हैं? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, भोपाल कैसे आना हुआ? ऐसे ही काम से। काम से, और फिर भोपाल आए तो बोट क्लब तो आना होता ही है, मौसम भी अच्छा है। आप भी साथ में ही आए हैं जी? क्या नाम है आपका? जी। कहाँ से आए आप? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर से ही आए हैं जी। मौसम ऐसा सुल्तानपुर का नहीं है क्या? है, पर यहाँ की बात अलग है। भोपाल की बात अलग है। भोपाल का वेदर कैसा है आज? काफ़ी अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एंजॉय दिस वेदर। सो काफ़ी अच्छा लगा हम लोग ने बोटिंग की, इट्स रियली नाइस, आई ऑलमोस्ट एंजॉयड इट सो मच। कहाँ से हैं आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। बालाघाट जी। और भोपाल कैसे आना हुआ? फॉर स्टडी पर्पस आई एम डूइंग नर्सिंग हियर, आई एम स्टूडेंट। ओके ओके, तो अभी भोपाल में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं? जी, हम यहीं पे हैं। मतलब ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई चोज दिस सिटी टू लिव हियर, टू स्टडी हियर, एंड जस्ट आई जस्ट वांटेड टू एंजॉय, दैट्स इट। और आज का वेदर जो है वो तो बहुत, आज का वेदर बहुत शानदार है। आई एम लकी टू बी हियर, टू प्रेजेंट हियर, टू एंजॉय दिस वेदर, दिस व्यू, आई जस्ट लव दिस व्यू। क्या चल रहा है अभी? बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, लोग आने लगे हैं अब? नहीं, इतने नहीं आ रही, थोड़े थोड़े आ रहे हैं। थोड़े आए तो ज़्यादा आए, थोड़े से। हाँ थोड़े से ज़्यादा आए, थोड़े से ज़्यादा आए हैं, है ना। अभी तो पूरे तरह से बंदी था। कैसा है मौसम आज का? बहुत फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास है, आज तो बोट क्लब का दिन है जी। है, क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का काम करते हैं, तो आज के काम बंद है? आज काम बंद है, आज मौसम अच्छा है तो आज घूमने निकल गए। मौसम अच्छा इसलिए जी घूमने निकल गए। बहुत मज़ा आ रही है घूमने में, इन्जॉय हो रही है, बहुत टाइम से ऐसा मौसम मिल नहीं रहा था, बारिश हो रही है, ज़रा अच्छा लग रही है। अच्छा, हम बहुत देर से घूम रहे हैं, हमने VIP रोड देखा, पूरा बोट क्लब देखा। भोपाली बोलने वाले आप पहले मिले हैं? अच्छा। बाकी बगैर भोपाली मिलने? हाँ, मतलब भोपाल के लोग मिल भी रहे हैं तो भोपाली नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, एक पूरा परिवार यहाँ पर है, आप कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग मुरैना से हैं। मुरैना से हैं। भोपाल कैसे आना हुआ? भोपाल में इधर हम लोग रहते, मेरे पति और मैं तो रहते, तो ये मेरे सास ससुर वगैरह, मेरी फैमिली है, घर से आए हैं। तो मौसम अच्छा था, पूरे परिवार को लेकर आ गए? हाँ, इधर आए, इधर घूमने के लिए के बच्चों के साथ, तो अच्छा लगा इधर अभी घूम के, इधर से बोट में तो इधर बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं बच्चे। अच्छा, बोट क्लब का? हाँ, बोट में घूम के आए थे बच्चों के साथ, सब फैमिली में। आप पहले ही बैठे हैं बोट में इससे पहले? पहली बार बैठे। कैसा लगा बोट में बैठे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसा है भोपाल? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप अम्मा जी, आप कहाँ से आई हैं? मुरैना से ही। अच्छा, पूरा परिवार आपका ही है। अच्छा, ये बताइए आपने पानी में जो बोट में बैठे आप, इससे पहले कहीं बैठे हैं? पहली बार। कितने साल की उम्र हो गई आपकी? अब साल का तो बेटा ध्यान ना आता, 80 साल। हाँ वैसा ही हो। पहली बार यहाँ पर आप इसमें बोट क्लब में बैठ के पानी पे आपने देखा? पहली बार। अच्छा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। डर तो नहीं लगा पानी था? नहीं लगा। बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। और भोपाल कैसा लग रहा है आपको? भोपाल बढ़िया लग रहा, बढ़िया। मुरैना में नहीं है ऐसे तालाब, बोट वोट नहीं चल? आप लोग कहाँ से हैं? भोपाल से ही है। हाँ। आज का वेदर बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा है। अच्छा है, तो फ्रेंड के साथ एंजॉय करने आए? हाँ।
इससे पहले कभी आना हुआ बोट? हाँ आते रहते हैं। आते रहते हैं। आज का वेदर कुछ ज्यादा ही अच्छा है क्या? जी। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है आज का वेदर। बहुत अच्छा है। इस सीजन का कह सकते हैं कि पहले फर्स्ट वेदर है ये? हाँ अभी आज से स्टार्ट हुआ है, वही दो तीन दिन से ही हो रहा है। जी। इससे पहले लास्ट टाइम कब आए थे आप? एक डेढ़ महीने पहले। एक डेढ़ महीने पहले आ चुके हैं आप। मतलब बोट क्लब कुछ नया नहीं है, घूमने फिरने आ जाते हैं आप लोग। मौसम बहुत अच्छा है आज का। आज बहुत बढ़िया। आपका हाल क्या है? बढ़िया है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब कोरोना काल के बाद लंबे समय बाद बाहर निकले होंगे। टू इयर्स के बाद बोट क्लब कब आना हुआ आपका? इससे पहले कब आए थे आप बोट क्लब? हम लोग बहुत आते थे पहले, लेकिन जब से कोरोना हुआ तो उसके बाद अभी आए हैं फर्स्ट टाइम आए उसके बाद। यानी डेढ़ साल बाद आप बोट क्लब आए हैं। अब तो कोई डर नहीं है? डर तो है कोरोना। जी डर तो है, अपने आप को बचा के रखते हैं। बचा के रखना जरूरी। भाभी जी बता रही कि डेढ़ साल बाद आना होगा। हाँ हम भी डेढ़ साल बाद ही आए। आप भी डेढ़ साल बाद आए। तो आज को क्या मौसम खींच लाया? क्या मौसम खींच लाया? मौसम बहुत अच्छा है आज। और जब मौसम ऐसा हो तो बोट क्लब बुला ही लेता है। सब लोग आते हैं। आपका कब कितने दिन बाद आना हुआ? मैं तो अभी आई हूँ फर्स्ट टाइम आए। जी जी बोट क्लब फर्स्ट टाइम आए आप? जी नहीं रहते। मैं यहाँ की नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम जबलपुर। जबलपुर कैसा लगा भोपाल? बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखिए पूरा परिवार है ये। आप कहाँ से हैं? जबलपुर से ही हैं। आप तो पहले कभी आया होगा? नहीं फर्स्ट टाइम ही आए। तो कैसा लगा बोट क्लब? अच्छा लगा। आप? अच्छा लगा। जबलपुर से ही हैं आप? जी जबलपुर। तो देखिए फिलहाल हम बात करें भोपाल में, हल्की फुहारें अभी चल रही हैं, हल्की बारिश जो अभी जारी है, और जो लोग अपने परिवार के साथ बोट क्लब पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम मौसम की बात करें तो मौसम केंद्र का कहना है कि अभी 2 से 3 दिन इस तरह का मौसम राजधानी भोपाल में बना रह सकता है। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि हम जिस रास्ते पर मौजूद हैं यहाँ से लगातार लोग बोट क्लब पहुँचते जा रहे हैं, बोट क्लब आते जा रहे हैं। चूँकि मौसम सुहाना बना हुआ है और हर कोई इस मौसम को इंजॉय करना चाहता है, यही कारण है कि अब बोट क्लब में चहल पहल और चहलकदमी बढ़ गई है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।